हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच विल मेक बेसिक बफर। तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से बेसिक बफर कौन सा बनाएगा। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बफर। तो बफर जो होते हैं वो टू टाइप्स के बफर होते हैं हमारे पास। वन इज एसिडिक बफर एंड अदर इज बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिडिक बफर में एक वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ मिलकर जो मिक्सचर बनाता है उसे हम बफर कहते हैं। तो एसिडिक बफर में क्या क्या होता है? वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। और ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये क्या होता है? क्योंकि एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रोंग होता है। सिमिलरली बेसिक बफर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। और अब क्योंकि बेस जो है वो वीक है तो एसिड क्या होगा? एसिड होगा स्ट्रॉन्ग। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो हमें सबसे पहले गिवन है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो हमें जो कंपाउंड्स गिवन है वो है NaOH प्लस एसिटिक एसिड। तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। सो इट विल नॉट मेक अ बेसिक बफर। और क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है दैट्स वाई इट इज नॉट इवन मेकिंग अ एसिडिक बफर। तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। सेकेंड इज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH एंड 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। सो इट इज ऑल्सो अ CH3 एंड NaOH। सिमिलरली CH3 और NaOH ये क्या करेंगे? ये दोबारा क्या है? एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये भी क्या है? बेसिक बफर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट इज HCl प्लस NH4OH। सो वी हैव HCl प्लस NH4OH। जब हम इन दोनों को साथ में लेते हैं तो इट विल मेक व्हाट? इट विल मेक NH4Cl प्लस H2 अमोनिया। तो यहां से अगर हम देखें तो वी हैव व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। तो जो हमारा बेसिक बफर होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का मिक्सचर होता है। दैट मींस कि ये जो हमारा कंपोजिशन है ये क्या है? ये हमारा कंपोजिशन क्या बनाएगा? बेसिक बफर बनाएगा। इट विल फॉर्म बेसिक बफर। हेंस आर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।